हर्शीज चॉकलेट सिरप हर जगह इजिली नहीं मिल पाती है और अगर मिलती भी है ना तो थोड़ी महंगी होती है। तो इसलिए आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप फटाफट से इसे घर पे बना पाओगे और महीनों तक स्टोर कर पाओगे। तो उसके लिए 2 कप यानी 1/2 लीटर पानी ले लेंगे, फिर इसमें 1/2 कप चीनी ऐड करेंगे और थोड़ा मिक्स कर लेंगे और अब इसे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे बॉइल करना है। अब 50 ग्राम डार्क या मिल्क चॉकलेट ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर मीडियम फ्लेम पे हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसकी क्वांटिटी आधी ना हो जाए और इसमें 10 से 12 मिनट लगेगा। और आपकी फेवरेट चॉकलेट कौन सी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बहुत जल्द मैं 3-in-1 किटकैट पर्क और मंच की भी रेसिपी शेयर करूंगी, तो उसके लिए फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब 1/4 कप पानी में 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ऐड कर देंगे। और अब 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए चॉकलेट सिरप को पका के गाढ़ा कर लेंगे। और ये देखिए जब इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाएगी ना तब बस फ्लेम को बंद कर देंगे। और इसे पका के बहुत ज्यादा थिक मत कीजिएगा क्योंकि जब ये ठंडा होगा ना तो थोड़ा और गाढ़ा होगा। और ये देखिए एकदम परफेक्ट मार्केट जैसी कंसिस्टेंसी आई है। और आप इसे केक और डिजर्ट में यूज कर सकते हो। और अगर आपको बहुत ही आसानी से कोको पाउडर और चोको चिप्स बनाना हो तो जो स्क्रीन पे वीडियो दिख रही है ना उस पे क्लिक करें और बस एंजॉय करें।